अभी एंटायर अरुणाचल एक एक ये देर वेटिंग विद सम क्यूरियोसिटी, या मैं एक एंटिसिपेशन के साथ वेट कर रहा है कि कल का जो मीटिंग आउटकम होने जा रहा है, दिस इज गोइंग टू डिसाइड द वेरी फ्यूचर ऑफ आवर स्टेट। तो उसके लिए हम आज या मीडिया में या प्रेस क्लब में हम इसलिए आया है टू सेंड अ क्लियर कट मैसेज टू द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड टू द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश कि ये मूवमेंट सबका मूवमेंट है और ये इशू सबका इशू है, इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट। तो हम लोग कल का जो मीटिंग होने जा रहा है, हम लोग ये एंटिसिपेट करके जा रहे हैं कि हमारा जितना चार्टर ऑफ डिमांड है, स्टार्टिंग फ्रॉम जितना 13 चार्टर ऑफ डिमांड जो भी है, ईच एंड एवरी पॉइंट विल बी एड्रेस किया जाएगा। हम वो एंटिसिपेशन के साथ जा रहे हैं। तो हमारा अभी जितना भी आप लोग सब देखा है, आप लोग सब पार्टिसिपेट किया है, सब ने जिया है ये मूवमेंट। ये 28 जो अगस्त 2022 से जो शुरू हुआ था, हमारा ब्रदर ग्यामर पादंग के थ्रू से उसने एक विसल ब्लो करके जो एक हम लोगों को इनिशियली जो एक छोटा सा इशू लगा, बाद में पता चला कि दिस इज अ वेरी सीरियस क्राइसिस। और यहाँ से हम लोग अभी डिसाइड करना है वेयर डू वी हेड टूवर्ड्स, अभी यहाँ से हमको डिसाइड करना है। तो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। अभी नेक्स्ट पॉइंट है द रोल ऑफ सीबीआई। तो सीबीआई का रोल को आप लोगों को पता है, ये जो अभी जितना भी ऑनगोइंग केस है, ये इनिशियली ये एसआईसी ने लिया था पूरा 2014 से लेके 2022 तक। लेकिन जो ए सिविल 2022 का जो एग्जामिनेशन है, दैट पर्टिकुलर केस वाज टेकन अप बाय द सीबीआई, वो इन द मंथ ऑफ सितंबर अक्टूबर में लिया था एंड इट हैज ऑलमोस्ट बिन 5 months, अभी 5 महीना हो गया, और इंक्लूडिंग फरवरी को बोलने से आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट 6 months। तो ऐसा समय में अभी हम लोग ये देखने मिल रहा है कि सीबीआई का तरफ से वो लोग का सिंगल ब्रेक थ्रू भी नहीं है। तो इसलिए अभी नाउ द सीबीआई हैज टेकन ओवर द होल केस 2014 से लेके 2022 तक का जितना केसेस है, इसमें अप्रोक्सीमेटली अराउंड 92 एग्जामिनेशंस है, ये सबको सीबीआई ने टेकअप कर लिया है ये 6 जनवरी 2023 से। तो अभी आज 1 महीना ज्यादा हो गया पूरा कुल मिला के, इट हैज बीन ऑलमोस्ट 6 months नाउ। तो अभी हम लोग सीबीआई का जो रोल है, इसको हम आज आप लोगों के सामने में कुछ बोलने के लिए आया है, कुछ रखने के लिए आया है। तो यहाँ पे ऐसा है, कल 8 फरवरी को हम सीबीआई ऑफिस में गए थे। तो वहाँ पे हमने हमारा एग्री पेरेंट्स भी वी वी मेट देम इन द ऑफिस इटसेल्फ, वो लोग भी आया था। और हमने वहाँ पे देखा कि जो सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन है, एक्चुअली हम वहाँ पे अपडेट लेने गया था, तो वहाँ पे जाके देखा तो अभी तक जितना चला है, वी वांटेड टू गिव सम इनपुट ऑल्सो, और वहाँ से भी अभी तक जो जो हुआ है पूछने गया था। तो सीबीआई का तरफ से जो हमारा हम जो इनपुट देने के लिए आया था, तो दे वर नॉट विलिंग टू टेक। कल हमको ये वो वाला एक रूप दिखाई दिया कि सो फार हम लोग ये एंटिसिपेट कर रहा था कि जैसे सीबीआई तो टेक ओवर करेगा ये केस को, देयर विल बी इमीडिएट ब्रेक थ्रूस, या में जितना भी बड़ा बड़ा जो हाई प्रोफाइल इन्वॉल्व है सब पकड़ा जाएगा, हम लोग ये एंटिसिपेशन था। दैट्स वाई हम लोग एसआईसी से लेके सीबीआई को हम लोग इनिशियली हम लोगों भी मांग था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सीबीआई बोल के नहीं, सीबीआई के साथ ईडी भी मांगा था और कोर्ट मॉनिटर प्रोब भी मांगा था, लेकिन सो फार ओनली गवर्नमेंट हैज ब्रॉट सीबीआई। तो हम कल सीबीआई के साथ हमारा एक कन्फ्रंटेशन हुआ कि हमने उसे कुछ टफ क्वेश्चन पूछने, यू नो वी वी ट्राइड आस्किंग देम सम टफ क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल अभी तक जैसे कि जो फॉर्मर चेयरमैन है, अभी तक उसमें इन्वेस्टिगेशन किया है कि नहीं, वो लोग अरेस्ट हुआ है कि नहीं, हमने वो पूछा। और जाके हम लोग यहाँ पे जितना भी जहाँ जहाँ में वो लोग का अरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि एक एग्जामिनेशन वो लोग 5 months से भी ज़्यादा ले लिया, लेकिन सो फार नॉट इवन वन सिंगल अरेस्ट, ये क्वेश्चन ये चीज को भी हम लोग ने क्वेश्चन किया। और तीसरा हमने ये पूछा कि आपने जो चार्जशीट बनाया था, आई थिंक द सेकेंड चार्जशीट जो एडिशनल चार्जशीट जो बनाया है, वो लोग अभी वो लोग उसको चार्जशीट को फाइल किया है बोला है, सो फार वी हैवन रिसीव दैट, उसको भी हम देखेंगे। लेकिन जो इनिशियल चार्जशीट था, देर वर सम एनोमलीज, देर वर सम डिफेक्ट्स, वो चीज को भी हमने हाईलाइट करने के लिए गया। एंड देन यहाँ पे जो
जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, जो सीबीआई जिसको सीबीआई ने अपॉइंट किया, उसको भी हमने पूछताछ करने के लिए गए. तो वहाँ पे एंड देन वी आस्क अबाउट जितना भी अभी वो लोग का जो काम करने का तरीका है, क्योंकि वी हैड लास्ट टाइम जब मीटिंग हुआ था हमने ये कहा था कि हमारे लिए भी एक विंडो छोड़ दीजिए, एक चैनल खोल के रखिए, सो दैट वी ऑल्सो शुड बी एबल टू गिव यू इनपुट्स, और आपका जो अपडेट्स है हमको भी पता चलना है. ये चीज़ हमने कल जाके पूछताछ किए तो कल हमको ये पता चला कि सीबीआई का जो रिस्पॉन्स था दैट वॉज डिसअपॉइंटिंग. इनफैक्ट हम लोग तो वहाँ पे शॉक हो गया कि हमने यहाँ पे ये कहा कि अभी तक फॉर्मर चेयरमैन को क्यों अरेस्ट नहीं किया है, तो वो बोलता है कि हम क्यों अरेस्ट करेगा, और वो ये भी बोला है कि सीबीआई अरेस्ट करने के लिए आया नहीं है, वो लोग जस्ट इन्वेस्टिगेट करने के लिए आया है. तो हमारा तरफ से भी पूछा कि अगर आप अरेस्ट करने के लिए नहीं आए तो आप कहाँ भी लिखा है, अपना गाइडलाइन बताइए. हमने पूछताछ किया तो कल जो पेरेंट्स आया था, जो वेल विशर्स आया था, दे वर ऑल्सो लेफ्ट नो डिसअपॉइंटेड. तो यहाँ में हमने सीबीआई का कल एक ये रोल देखा है. और यहाँ पे सीबीआई का ऐसा है अरुणाचल में, स्पेशली इन केस ऑफ अरुणाचल, सीबीआई हैज ऑलमोस्ट मे बी मोर देन 15-20 केसेस यहाँ पे लिया है. लेकिन यहाँ पे इतना केसेस लेने का बाद भी सो फार देर इज नो कन्विक्शन रेट, अभी तक किसी को कन्विक्ट नहीं किया है. इतना बड़ा बड़ा स्कैम हुआ, सीबीआई केम एंड दे वेंट बैक, कब आया कब गया पता भी नहीं चला. लेकिन दिस टाइम क्योंकि ये जो एपीपीएससी का जो पेपर लीकेज का जो स्कैम है, हम सबको पता है, अभी जितना हमको दिखाई दे रहा है द नंबर ऑफ अरेस्ट मेड सो फार दैट कैनॉट बी द एक्चुअल नंबर, दैट इज ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग. यहाँ में जो एक्चुअल नंबर है वो अभी भी निकलना बाकी है. तो जैसे हमारा एसआईसी जो इन्वेस्टिगेट कर रहा था, तो एसआईसी का तरफ से वही था कि वट एवर इनपुट्स वी हैड गिवन, ये चीज़ को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, जितना अरेस्ट होना चाहिए था उतना हुआ नहीं था. लेकिन सेम चीज हम वी वर एक्सपेक्टिंग कि सीबीआई विल गो वन स्टेप अहेड, एटलीस्ट जो चीज एसआईसी नहीं कर पाया सीबीआई करेगा. लेकिन अभी तक जो देख रहा है कि दे आर नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, तो वो चीज को बोलने के लिए आया है. तो यहाँ पे जो बाकी रिमेनिंग पॉइंट्स है माय कलीग विल एड्रेस. गुड आफ्टरनून सभी को. जो नेक्स्ट जो कंटिन्यूटी जो पॉइंट है, जो रिसेंटली जो डेवलपमेंट आया है कि चेयरमैन और ये जो तीन मेंबर का यहाँ पे अपॉइंटमेंट किया जाता है, आई थिंक ये जो हम लोग का पार्ट ऑफ रिफॉर्मेशन में आता है. एंड आई बीइंग इन वन ऑफ एस्पिरेंट, इसको हम वेलकम करता है गवर्नमेंट को. रिफॉर्मेशन भी होना जरूरी है, लेकिन यही रिफॉर्मेशन से आप ये सोच में पड़ेगा कि रिफॉर्मेशन करके हम लोग यहाँ पे जो पुराना टेक्टिक्स डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करके आप सिर्फ एग्जाम डेट को डिक्लेयर करेगा, ये सबसे आपका ब्लंडर मूव होगा. तो इस बार हम लोग सोच समझ के ये मुद्दा उठाया है, वी वांट टू गिव ए लॉजिकल कंक्लूजन. और जैसे अभी हम लोग ये एक कमिटी गठन करके रखा हुआ है, इंस्टीट ऑफ क्वेश्चनिंग इन द लेटर स्टेज, हम यहाँ का एक इशू चेयरमैन होते हुए हम अभी ये गवर्नमेंट को पूछना चाहेगा पहले, ये जो चेयरमैन का कंपिटिटर्स कितना था, उसका बैकग्राउंड को बताइए हमको. ये जो चेयरमैन अपॉइंट किया गया है किस बेसिस पे अपॉइंट किया गया है, इसका मेरिट को पब्लिक डोमेन में आप रख दीजिए. क्योंकि चेयरमैन को आप लोग बोलता है कि ये जो ऑटोनोमस बॉडी है, गवर्नमेंट का यहाँ पे कुछ रोल नहीं है. आज पब्लिक को पता चलना है कि यहाँ पे गवर्नमेंट का 100% रोल यहाँ पे है, कमीशन पे है. ये चेयरमैन को अपॉइंटमेंट करना, मेंबर को अपॉइंटमेंट करना, और कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को अपॉइंटमेंट करना, डिप्यूटी कंट्रोलर एग्जामिनेशन को अपॉइंटमेंट करना, कमीशन का, ये गवर्नमेंट का 100% रोल है, इसमें डिनाई नहीं कर सकता है. ये आप लोग ही कुछ बता रहा है. अभी आप पहले बताइए आपका ट्रांसपेरेंसी, अभी दिखाइए पेमा के अनुसार आपका गवर्नमेंट का ट्रांसपेरेंसी. चेयरमैन का कंपिटिटर्स कितना था, किस बेसिस में ये जो अभी का जो चेयरमैन को आप अपॉइंट किया गया है, और किस बेसिस पे बाकी जो चेयरमैन को आप रिजेक्ट किया गया है, वो हमको बताना पड़ेगा. ये नहीं बताने से ये ऑफिस, ये चेयरमैन लोग को, मेंबर लोग को ये ऑफिस में घुसने हम लोग नहीं देगा. और उसके बाद में ये जितना मेंबर्स है, मेंबर्स का बैकग्राउंड को भी आप बताना पड़ेगा, किस बेसिस पे आप इसको सिलेक्ट किया गया, इसका कंपिटिटर्स कितना था, इसको भी आप बताइए.
इसलिए जितना भी पेरेंट्स है, एक्सपीरियंस है, आप लोग यहाँ पे दुखी नहीं होना है कि चेयरमैन मेंबर्स अपॉइंटमेंट हो गया है, एग्जामिनेशन डिक्लेयर करने जा रहा है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करने जा रहा है, इसमें आप डिसअपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है। हुई ऐसे इंटेलेक्चुअल, हम इसको अप्रिशिएट करता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग का रोल आता है, अभी पब्लिक डिसाइड करना है, एक्सपीरियंस डिसाइड करना है कि ये चेयरमैन और ये मेंबर्स को अकाउंटेबिलिटी अभी बनाएगा ना बाद में बनाएगा। ये लोग को एग्जाम दे नहीं निकालने से पहले अभी ये लोग को हम लोग चेक एंड बैलेंस करना है, इसका पास प्रॉपर्टी कितना है, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी कितना है, इसका फैमिली लिंक का पूरा ढूंढना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं है कि ये चेयरमैन का बीच में गवर्नमेंट एक जो चेयरमैन या मेंबर्स को ये लोग प्लेस करके रखा हो, अपना जो अधूरा सपना था, लास्ट टाइम में जो करोड़ों में बिके, जो पैसा बिके, जो कैंडिडेट्स को देके रखा था, इसी का चैनल से तो ये लोग करने नहीं जा रहा है। अभी हम लोग यहाँ पे चेक एंड बैलेंस करना पड़ेगा। ये देखिए बिफोर दिस इवेंट, जब जब चेयरमैन का मेंबर का अपॉइंटमेंट होता है, सोशल मीडिया में अपना अपना क्लेन से सिर्फ तारीफें आता था। आई थिंक इट्स बीन 48 hours, शायद एज पर माई व्यू अभी तक कंप्लीमेंट्स आया नहीं एक दो को। यहां से गवर्नमेंट समझना चाहिए, अभी हम लोग पब्लिक आप लोग को इतना भरोसा नहीं है। आप चेयरमैन अपॉइंटमेंट कर दिया, मेंबर अपॉइंटमेंट कर दिया, हम लोग को कुछ दिलाएगा? कोई स्टूडेंट यूनियन यहां कुछ हो सकता है, क्योंकि आप लोग भी ये पार्ट में कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, एक्सपेरियंस को वो करने का, कैसे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करना है इसको पता है। हमेशा जब भी पेपर लीकेज होता है, नेक्सस किसका साथ में होता है? स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, सो कॉल्ड सीबीओस और गवर्नमेंट का यहाँ पे नेक्सस होता है। इस बार आप लोग का नकाब हम लोग खोलेगा, यहाँ पे कहाँ से तारीख पहले आता है हम लोग देखेगा, कहीं कहीं से हम लोग तारीख देखा भी है कि ये मेंबर अपॉइंटमेंट हुआ है, वो हुआ है। ये तारीख को पब्लिक लोग याद रखना है, पहले भी ऐसे तारीफ करके, वो तारीफ करने वाला जब पेपर लीकेज होता है चुपचाप बैठ जाता है, इस बार तारीफ करने वाला कौन है हम लोग देखेगा। इसलिए वो तारीफ करने वाला को हम पहले पूछता है, आप लोग तारीफ इतना कर सकता है आपका थ्रू से, ये चेयरमैन का बैकग्राउंड को हम लोग को प्रेस ब्रीफिंग आके बता दीजिए। यहाँ पे सिर्फ तारीफ मारने के लिए नहीं आना है, अपना इमेज बिल्ड अप करने के लिए नहीं आना है। इसलिए हम सो कॉल्ड एसोसिएशन को बोलता है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को बोलता है, सीबीओस को बोलता है, यहां अपना क्लेन से आया उनके तारीफ मत कीजिए। अपना पास इतना हिम्मत है तो ये मेंबर लोग का प्रॉपर्टी किस वजह से ये जो ऑफिशियल पोजीशन लेके आया बता के देखिए, हम आप लोग को ये चैलेंज करता है वो है। इसलिए जितना भी चेयरमैन है, आप लोग ऑफिस को नहीं संभालने से पहले जितना भी हम लोग का स्टूडेंट का ग्रीवेंसेस था, जहां पे पेमा खांडू सरकार बोलता है कि ये हम लोग का बस का बात नहीं है, ऑटोनोमस बॉडी है, हम उसमें कुछ नहीं बोलना, तो इट्स बीन ए ब्लेसिंग ऑफ डिसगाइज फॉर अस कि हम लोग जो चाहता था वो नहीं हो पाया। ये लोग कमेटी गठन करके एकदम कंडक्ट करने जा रहा है, बट इसको हम लोग अच्छा वे पे हम लोग लेके जाएगा। जो जो पेमा कानून सरकार और ये जो कॉल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो बोलता है कि ये सरकार क्या कर सकता है, सिस्टम में जाना पड़ेगा, वो जाना पड़ेगा, अभी हम बोलता है आई रिक्वेस्ट अपसु एंड अंशु, जो हम लोग का फर्स्ट डिमांड था 29th of September में, जो ताके जेरन को नागोम न्यूपो अपना आप में चीफ मिनिस्टर ऑफिस से बात करके, बिना मेंबर को पूछ के, बाकी मेंबर को पूछ के कोरम मेंटेन करते हुए, कोरम को मेंटेन ना करते हुए, जो ताके जेरन को फोर्स रिटायरमेंट कंपल्सरी रिटायरमेंट दिया गया था, इसको ये जो चेयरमैन आ रहा है, मेंबर आ रहा है, इसको पहले आप रिवोक कीजिए, रिवोक करके इसको टर्मिनेट कर दीजिए। ये अंशु अंशु का दिमाग में भी था, आई थिंक अंशु इसी में अभी तक हम लोग का साथ है, अंशु कहीं ना कहीं गायब हो गया। और जो उस समय पे कमिटी गठन करके रखा हुआ था, दो मेंबर कमिटी कमीशन का अंदर में, कि ये जो पेपर लीकेज कहां से शुरू हुआ, उस कमिटी का जो फाइनल रिजल्ट नहीं आने से पहले ताकि जेरन को नामुन ये पोस्ट रिटायरमेंट दिया जाता है, अभी वो जो कमिटी का जो अधूरा जो हम पेपर वर्क चोर के गया था, आई रिक्वेस्ट कि ये चेयरमैन और मेंबर्स पहले इसमें ध्यान दीजिए, इंस्टीट्यूट ऑफ फोकसिंग वेन टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन, इसको आप ध्यान दीजिए। और जो हम लोग का एक बहन है जो फिजिकली हैंडीकैप है,
लेकिन मेंटली हैंडीकेप नहीं है, वो हम लोग से भी बहुत बड़ा बहुत स्ट्रांग है। वो बहन का जो मुद्दा है 2018-19 से शुरू हुआ, उसको भी उस समय का जो एक कमिटी गठन करके नाबुन ये पोल जो ये बहन को डिप्राइवेशन किया है, जिस पोस्ट को इसको देना चाहिए था नहीं दिया, इसको पैसा डिमांड करके नहीं मिला, और जब पैसा नहीं दिया बाकी लोगों से तो दिया है लिया है। ये बहन का जो जितना डिमांड है, बीच में आप लोग को पता होगा गवर्नमेंट का लेवल से कहा गया था कि ये कमिटी कमीशन किया जा सकता है, कोर्ट में किया जा, अभी जब कमिटी गठन किया है, ये कमीशन आया है, मेंबर आया है, पहले आप इसको सोल्व कर दीजिए मुदंग याबिन का बहन का, ये भी हम लोग का चर्चा और डिमांड में है, ये आंशु का चर्चा और डिमांड में भी है, इसको आप सोल्व कर दीजिए इन नो टाइम, इसको आप सोल्व कर दीजिए, ऐसे मत फोर्स कीजिए कि इसको कोर्ट का चक्कर लगाना पड़े, इसमें भी हम स्टैंड रहेगा। और उसके बाद में जो हम लोग का अभी जो नालेन बोइ का जो केसेस बोल रहा है, इसको भी गवर्नमेंट का तरफ से कहना था, और सो कॉल स्टूडेंट यूनियन का तरफ से भी कहना था कि इसको गवर्नमेंट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आई ऑल्सो नो गवर्नमेंट इसको नहीं किया जा सकता है। अभी जब चेयरमैन और मेंबर यहां पे आया है, अभी आप रिकमेंड कर दीजिए कमीशन को, ये कमीशन इसमें आप गौर कीजिए, अभी बताना पड़ेगा कि नालेन बोइ किस वजह से आप नहीं करेगा, करेगा भी तो आप किस वजह से, किस वजह से एग्जामिनेशन प्रोसेस को आप वो क्या था, चालू क्या था, लेकुना कहां पे था, आप बताइए। इसलिए और ये जो चेयरमैन और मेंबर है, यहां पे ऐसे ऐसे केसेस हैं, हम लोग जो यहां पे आया अपना हिम्मत लेके आया, और हम लोग को यहां पे बोलता है कोई लोग पुलिस प्रोटेक्शन लेना है, आप लोग का जान लेवा हमला हो सकता है, हम उल्टा बोलता है हम लोग आप लोग को उल्टा मार सकता है, हम लोग फ्रस्ट्रेटेड है, हम यहां पे किसी को नहीं डरेगा, उल्टा हमको आप लोग डरना है जो गुनाह किया है। इसलिए हम बोलता है ये कमीशन और मेंबर जो आ रहा है रूम नंबर 2 जहां पे SI कॉन्स्टेबल का जहां पे एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें इन विजिलेटर ने जहां पिल OMR शीट को पारा गया था, उसका CCTV फुटेज निकाल के हम लोग को दे दीजिए पब्लिक पे, और वो जो इनविजिलेटर है और वो जो कैंडिडेट है, ऐसे मत सोचो कि आप लोग पता नहीं है, ऐसे नौबत आएगा प्रेस ब्रीफिंग करके सबका नाम हम लोग लिया जाएगा। इसलिए ये जो चेयरमैन और मेंबर आया है, आप लोग का वेलकम करता है, आप लोग अपना काम अच्छा से निभाइए, लेकिन आप लोग का पीछे भी हम लोग पड़ेगा, आप लोग का हिस्ट्री को हम लोग निकाल के रखेगा। इसलिए यहां पे अभी हम लोग का जितना भी एक्सपीरियंस और पेरेंट्स अभी एक साथ में होना है, अभी नहीं तो कभी नहीं, कल को ऐसे नहीं बोलना है कि यहां पे जो पान अरुणाचल ज्वाइंट स्टेयरिंग कमिटी लड़का लोग बिके कहा गया ये कहा गया, कभी नहीं बोलना, अभी आना है तो आओ, नहीं आना है तो बाद में मत चिल्लाओ। हम लोग का भी अकाउंटेबिलिटी आप लोग ले लीजिए, विश्वास नहीं है क्यों, हम आप लोग को अप्रिशिएट करता है, आप लोग का जो भावना को हम अप्रिशिएट करता है। यहाँ पे हमेशा पहले तो हम तो बोले आप सुई धोखा देता है, यहाँ पे कभी स्टूडेंट का हित में आता नहीं है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन सो कॉल्ड DSU कभी आता नहीं है, जिस समय पे आना चाहिए था अभी आता नहीं, अभी भी ऐसे ही हो रहा है, गवर्नमेंट अपसू उसके बाद में सो कॉल्ड अदर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और CBS चुप। अभी हम पूछता है AITF कहां गायब हो गया, जब बंद को डिक्लेयर करने जा रहा था उस समय तुम आवाज उठा रहा था, अभी पूरा चुप हो गया, आप लोग का मकसद क्या था, पब्लिक पूरा समझना है यहां पे। इसलिए हम बोलता है अभी हम लोग तूते नेल हम लोग इस बार पाइट करेगा, ये मत सोचो कि कमिटी गठन करके एग्जाम कंडक्ट कराए, ये सबसे ब्लांडर होगा, आई एम गिविंग द वार्निंग, हम बोल रहे हैं आप अच्छा से सोल्व कीजिए, उसके बाद आगे बढ़े, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, वी वेलकम द व्हाट कॉल दिस रिफॉर्मेशन पार्ट, लेकिन आप यहां पे कल्पित को चोर के जाएगा, निपो नाबुम को आप बचा के जाएगा वो नहीं होगा, और यहां पे सबसे मेन कल्पित निपो नाबुम है, निपो नाबुम को जब पकड़ेगा ऊपर का पूरा स्केलेटन गिर जाएगा, इसी पे सब राज छुपा हुआ है, पब्लिक लोग सब समझना है। इसलिए जितना भी हम लोग का यहां पे इस मूवमेंट तक जितना भी हम लोग का रोल है, हम लोग को भी बहुत तकलीफ आया, जो स्टूडेंट हम लोग को इतना आशा का नजर पे देख रहा है, इतना होप से देख रहा है, वो हम लोग का मीटिंग जो है 10th of February में शेड्यूल किया, कल शेड्यूल किया,
एक्चुअली लास्ट टाइम शेड्यूल 2 तारीख में था, कल शेड्यूल किया। तो इसलिए जितना भी हम लोग का इन एंड आउट जो डिस्कशन होता है गवर्नमेंट का साथ में, इस बार हम लोग ये सोच रहा है और ये ऐलान किया था कि इस बार हम लोग का जितना मूवमेंट है, ये मूवमेंट ऐसे नहीं होना है कि कल को कोई कमिटी गठन करेगा, कोई चेयरमैन बन के आएगा, कोई यूनियन बना के आएगा। हम लोग इस बार नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम सोच रहे हैं इस बार। इसलिए हम लोग का जो मुद्दा है ट्रांसपेरेंटली हम लोग उसको लेके जाएगा, एक लॉजिकल कंक्लूजन हम लोग इसको दिया जाएगा। और इस लॉजिकल कंक्लूजन को हम लोग देने के लिए जो मीटिंग गवर्नमेंट का साथ में होता है उसमें सब एस्पिरेंट प्रेजेंट नहीं हो सकता है, सब पेरेंट्स प्रेजेंट नहीं हो सकता है। 1 और 2 मेंबर, मे बी 5 मेंबर और 10 मेंबर एज पर द गवर्नमेंट कोड हम उसमें जाना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे हम लोग का बीच में एक ट्रस्ट डिफिशिएंट होता है, क्योंकि पहले से ऐसे कोई करके रखा गया है कि जब इशू को उतारता है बाद में बिक देता है, लेकिन इस बार हम लोग ऐसे करेगा नहीं। इसलिए हम लोग ये मीटिंग का बाद में 10 तारीख को कल हम लोग का मीटिंग होगा गवर्नमेंट का साथ में, जो उसमें डिस्कशन करेगा, जो उसमें निर्णय लेगा, वो भी हम लोग का पॉइंट में, हम लोग का इशू में, उसी को हम लोग एक मास मीटिंग या एक धरना रखा जाएगा एज पर द आउटकम ऑफ द टुमोरोस मीटिंग। अगर सक्सेस होता है वी वेलकम द गवर्नमेंट एंड वी विल अप्रिशिएट द गवर्नमेंट। अगर हम लोग का डिमांड में प्रेगमेंटेड एक इशू लेके आएगा गवर्नमेंट, उसको हम मानेगा नहीं। जितना भी डिमांड है आई थिंक वी हैव गिवन इनफ टाइम, अभी तक ये जो डिमांड में आई थिंक यहाँ पे अगर ये कोई कहना कि सीरीज ऑफ मीटिंग होना, आई थिंक ये भी ब्लंडर स्टेटमेंट होगा। सीरीज ऑफ मीटिंग का यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है। इसलिए हम सोचता है कि कल का मीटिंग में फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा हम 11 तारीख में रखेगा और 11 AM को रखा जाएगा। जितना भी हम लोग का साथ अकाउंटेबिलिटी पब्लिक एक्सपेरेंट पेरेंट्स जितना भी वेल वेसर्स जो हम लोग को दिल से 10 रुपया 5 रुपया 1 रुपया डोनेट किया है, कल आप लोग आके सब मीडिया आप लोग भी आइए, कल हम लोग रप्पा दप्पा कर देगा क्या बात हुआ नहीं हुआ, क्योंकि पब्लिक में ये जानना जरूरी है। इस बार हम लोग ये कमीशन, ये गवर्नमेंट, ये सो कॉल्ड इंडिविजुअल्स जो पीछे से आके यहाँ पे रोल प्ले करता है, आपको दिखाई नहीं देता है, बट वी कैन सेंस देम, हम लोग दिखाई देता है, समय आएगा तो हम नाम भी ले सकता है। यहाँ पे ऐसे ऐसे फोर्स है कि ये केस को सॉल्व कराना देना नहीं चाहता है, ऐसे ऐसे फोर्स है कि हम लोग का बीच में मतभेद पैदा कराना चाहता है, लेकिन ये कभी आप लोग का जितना भी आप लोग का टेक्टिक्स ये होने वाला नहीं है। हम लोग अभी एक इस बार हम रिफॉर्मेशन लाएगा, रिवोल्यूशन होगा ये हम लोग का मूवमेंट का, और ये एक हिस्ट्री बन के रहेगा। और हम ये दावे के साथ बोल रहे हैं, इसलिए हम आप लोग को रिक्वेस्ट करता है कि 11 तारीख में 11th of February डे आफ्टर टुमोरो 11 AM टेनिस कोर्ट या एक IG पार्क में हम लोग मास मीटिंग या धरना रखा जाएगा। आप लोग सब आइए, हम लोग ड्यू प्रोसेस का साथ में उसमें हम लोग गवर्नमेंट से हम लोग परमिशन लिया जाएगा। तो आप लोग को हम वो करता है, वेलकम करता है आप लोग को, थैंक यू। और कुछ क्वेश्चन है आप लोग का थ्रू से आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, ये जो आपने जो पूछा है, दिस इज रिगार्डिंग द रोल ऑफ CBI। अच्छा, ये इनिशियली जब हमने ये मूवमेंट जब चालू किया, व्हेन वी स्टार्टेड दिस मूवमेंट, ये ग्यामर पदंग और ये तेजीपुरु का थ्रू से, उस समय 23rd September को जब ये रैली रखा, उसमें ये डिमांड था कि देयर हैज टू बी यहाँ पे, क्योंकि स्टेट का हमने जो SIC का जो ट्रैक रिकॉर्ड देखा है या SIT का देखा है, सी समवेयर कुछ कुछ जगह में सही किया है, बट देयर आर सम अनआंसर्ड क्वेश्चंस, कुछ कुछ जगह में दे हैव नॉट डन वेल। तो उसको सोच के हमने कहा कि ये ऐसा एक बड़ा केस है विच नीड्स टू बी
which deserves to be investigated by the premier investigation agencies of the state, of the country. तो उसमें आता है CBI, ED, and then in fact we ask for judicial monitor probe. ये तीनों एक साथ, और हम लोग ये clearly बोला था कि you cannot ask one and leave the others. क्योंकि देखो CBI कभी they are also not clean. सबको पता है अरुणाचल में, आप फॉर एग्जाम्पल अरुणाचल का ही ये रेपुटेशन देख लो, यहाँ पे CBI का बहुत ज्यादा केसेस था, PDS स्कीम बोलो या फिर बड़ा बड़ा स्कीम बोलो, दे कम एंड दे गो विदाउट एनी ट्रेस. हाउ इट इज पॉसिबल, सबको पता है हुआ है. तो उसको लेके हम लोग का ये सबसे बड़ा एक अप्रिहेंशन था, एक डाउट था कि CBI आता है तो CBI का साथ साथ ED भी आना है, और ED का साथ साथ जुडिशियल मॉनिटर प्रोब होना है. ये तीनों, और वो तीनों जो है एक के बाद एक नहीं है, तीनों साइमल्टेनियसली चलना है. एंड इट इज पॉसिबल, जैसे गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन बोला था कि CBI के बाद ED बुलाएंगे, दैट इज अ ब्लंडर स्टेटमेंट. तीनों एक साथ कर सकता है. तो अभी हम लोग का वही था, तो गवर्नमेंट की तरफ से हमारा ये, हमको ये एश्योरेंस मिला था कि वंस द CBI और सेंट्रल एजेंसीज दे कम, आप लोग को भी यहाँ में इनपुट देने का विंडो खोल के रख देगा. इनफैक्ट लास्ट टाइम जो आप लोग का प्रेस वाला से ही कोई पूछा था ऑनरेबल CM को कि CBI का तरफ से प्रेस रिलीज नहीं आता है, तो उसने तो एश्योरेंस भी दिया था CBI का तरफ से आएगा. सो फार वी हैव नॉट सीन एनी प्रेस, यू नो, ये एटलीस्ट हमने ये पे मीडिया पे आके बोलने वाले तो अभी तक तो हमने देखा नहीं, तो वी वर एक्सपेक्टिंग दैट. तो जैसे आपने कहा कि CBI का जो रोल है, देखिए हम ऐसे नहीं बोल रहे कि वी आर नॉट सेइंग दैट हम CBI को डाउट कर रहे हैं या कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को डाउट कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम ये बोल रहे हैं कि दे हैव सर्टेन पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड्स, उसको भी हमको गौर से देखना है. तो हमारा यहाँ पे ऐसा है कि केस का जो सीरियसनेस है, समवेयर इट इज डिपेंडेंट अपॉन अस ऑल्सो, जो हमारा जो एग्रीड है, जो कंप्लेनेंट है, हम इसको कितना दूर तक इसको हम अपडेट लेता है, कितना दूर तक हम इसको पीछा करता है. तो उसको लेके हमने CBI को भी पूछताछ किया, और CBI का यहाँ पे ऐसा है, जैसे थोड़ा पहले ऐसा सेड मोमेंट्स बैक कि यहाँ पे यही एग्जामिनेशन का जो हुआ था उसको, वो केस को टेकअप किया आई थिंक इन द मंथ ऑफ सितंबर अक्टूबर, ऑलमोस्ट 5-6 months हो गया, लेकिन एक भी अरेस्ट नहीं हो पाया. दिस इट्सेल्फ इज अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क. और दूसरा क्वेश्चन ये था कि यहाँ पे जो PP था, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैपन टू रिप्रेजेंट वन ऑफ द प्राइम एक्यूज, ताकि जरन का ही एडवोकेट था, लेकिन उसको CBI कैसे करके लिए. अभी वो लोग ये बोल रहे हैं कि वो जो एडवोकेट है वो CBI का पैनल ऑफ एडवोकेट्स में है, बट ही इज नॉट टेकिंग अप APPSC का इशू को. अभी आप ये कैसे बोल सकते हैं, कैन यू गिव इन राइटिंग, क्योंकि ये लास्ट 5 months जब CBI का पेपर ये केस ले रहा था, तब तक तो वो जो पर्टिकुलर एडवोकेट तो ताकि जन को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो क्या CBI सो रहा था क्या, दैट इज अ लेम एक्सक्यूज. तो उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि जो CBI का जो चार्जशीट है, देखिए पहले से बोला है कि वो लोग इन्वेस्टिगेशन सही से जा रहा है कि या इट इज गोइंग इन द ऑफ ट्रैक, वो कैसे पता चलेगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द चार्जशीट. जैसे 2014 में भी हुआ था, उसमें इतना वीक SOP, आई मीन वीक चार्जशीट बनाया था कि एनीबॉडी कुड बी वहां पे एक्यूज कर लेना था, ऐसे था. तो अभी ये पर हम जो चार्जशीट को हम देखा है, यहाँ पे जितना जैसे चेयरमैन हो गया, वो लोग तो विटनेस बना के रख दिया, कंट्रोलर एग्जामिनेशन को विटनेस बना के रख दिया, एंड देन जहाँ में फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे ये लोग को, जैसे कि ये क्या नाम था, एक टीचर है वो जेजू इंस्टीट्यूट का टीचर अखिलेश यादव को विटनेस बनाना चाहिए, उसको एक्यूज बना दिया. आई मीन ये उनका सोच नहीं पा रहा है क्या, या फिर दिस इज अ डेलिबरेट अटेम्प्ट कि यहाँ पे मैक्सिमम को रिलीज कर देना है, सिर्फ चार्जशीट नेम से अकेले है. तो ये सब जितना एक्टिविटीज है, और कल जो इंसिडेंट हुआ आप लोग भी सब मीडिया में देखा होगा, एक्चुअली उसमें पूरा कवरेज अभी आया नहीं. इट वॉज अ वेरी ह्यूज ह्यूज कन्फ्रंटेशन, दिस वॉज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी. They treated us like, you know, हम लोग को तक्स जैसे treat किया, that was not expected. क्योंकि देखिए we have agreed, we have every right to know what is the update of the case. हम लोग का right है, और उन लोगों का भी responsibility बनता है हम लोग को बताना, और हम जो input देने के लिए आया है उसको सुनना है, they have to उसको receptive होना है. तो कल जैसे किया, then we realize कि I think CBI यहाँ पे they are playing some dubious role here. तो हम वी आर एक्सपेक्टिंग कि दे विल यहाँ पे जितना पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है
they'll prove us wrong this time. We were expecting, we are still expecting. Lekin agar CBI ka yehi bartav raha, then we will have no choice but to ask the CBI to go back. So wo public decide karega, and then you know jo देखिए सीबीआई का जो दो फंक्शनिंग है इवन वी आर अवेयर इट इज अकॉर्डिंग टू द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 का जो सेक्शन 6 है स्टेट गवर्नमेंट का कंसेंट चाहिए टू कम टू एनी स्टेट वी आर अवेयर ऑफ दैट और यहाँ पे ऐसा है कि जो सीरियसनेस जैसे शुरू में ये कहा कि ये जो मैटर है एपीपीएससी जो पेपर लीकेज का जो स्कीम था वी आर नॉट लुकिंग एट इन टर्म्स ऑफ अभी एग्जामिनेशन एनी मोर दिस इज एन ऑर्गेनाइज क्राइम और यहाँ में बहुत लोग मिलके किया है कोलाबोरेशन में तो हम लोग को ये बोलना था कि इनिशियली एसआईसी हैड टेकन ओवर तो एसआईसी को भी वी क्वेश्चन क्योंकि एसआईसी का भी ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा था कि दे हैड 184 केसेस विद सिंगल यू नो विदाउट एनी कन्विक्शन रेट तो यहाँ से जाके अभी हम किसको मांगता द प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ द कंट्री इज द सीबीआई देखो ऐसे होता है वी वॉन्टेड द सीबीआई टू प्रूव अस रॉन्ग दिस टाइम क्योंकि उसका जो पास ट्रैक रिकॉर्ड है हमने उस हिसाब से देखा है लेकिन ये बार वी आर एक्सपेक्टिंग कि देयर विल बी समथिंग डिफरेंट तो अभी भी हम ऐसे नहीं बोल रहे कि दे आर कंप्लीटली कॉम्प्रोमाइज हम ये बोल रहे हैं कि वी आर हियर टू चेक एंड बैलेंस अगर वो उसका डायरेक्शन सही से नहीं जाएगा डेफिनेटली विल रेस क्वेश्चन तो अभी जैसे अब थोड़ा पहले मैंने कहा कि देखिए ये जो है जितना टेक्निकलिटीज है इवन वी आर अवेयर और सीबीआई दे कैन नॉट मेक एक्सक्यूज हियर अभी वो अरेस्ट नहीं कर रहा है ये नहीं कर रहे वो भी आपको नहीं बोल सकता है यहाँ पे अभी देखिए दिल्ली में कितना अरेस्ट हो रहा है मुंबई में कितना अरेस्ट हुआ था दैट टू विद इन नो टाइम अभी यहाँ में 5 months, 6 months हो गया नॉट इवन अ सिंगल अरेस्ट आप यहाँ से यू कैन देखिए पब्लिक बेवकूफ नहीं है एंड वी आर नॉट फूल्स वी आर ऑल एजुकेटेड यू नो सिटीजन्स हियर तो उस हिसाब से वी आर आस्किंग द लॉजिकल क्वेश्चंस देखिए लास्ट टाइम जैसे प्रायर टू यस्टरडेज मीटिंग इनफैक्ट लास्ट टाइम भी एक बार मिला था तो लास्ट टाइम उसमें जो हमने जो डिस्कशन किया सीबीआई वॉज उसमें हम लोग को कहा कि यू कैन कम एनी टाइम हम लोग का 24/7 खुला है आप कभी भी आ सकता है तो देखिए यहाँ पे अपॉइंटमेंट का क्या वो है वी यहाँ पे हम लोग अग्रीड थे अभी हमको अपडेट लेने के लिए क्या उसके लिए फिर स्पेशल अपॉइंटमेंट चाहिए चलो उसका कुछ प्रोसीजर होता होगा बट वी वर टोल्ड कि सिंस यू आर अग्रीड एंड आप यहाँ पे कंप्लेनेंट है आप कभी भी आके इनपुट दे सकता है कभी भी आके ये कर सकता है कि अपडेट ले सकता है तो उस हिसाब से वी वेंट यस्टरडे और जैसे ये कहा कि कल देखिए हम वी वेंट दो तीन लड़का गया था तो वहाँ पे जो थोड़ा पहले भी आई थिंक आई एम जस्ट रिपीटिंग इट कि कल जो एक बर्ताव हुआ कि यहाँ में हमने कहा कि यहाँ पे सीबीआई जो कर रहा है आई थिंक दैट इज इनएडिक्वेट यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप जो फॉर्मर चेयरमैन है या फिर जितना भी कंट्रोल एग्जामिनेशन लोग है जितना भी ऑफिशियल्स था अभी तक वो लोगों पर इन्वेस्टिगेशन किया क्यों नहीं अगर किया है तो एग्जैक्टली अपडेट क्या है तो इसमें दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग अस तो यहाँ से हम लोगों का जो बिहेवियर है वी क्वेश्चन दैट इज द कंसर्न तो आप लोग जो स्टीयरिंग कमेटी इसको किस तरह से लेगा
देखिए, पहले आप जो नाल एंड वॉइड जो केसेस है, इसको किस वजह से ये नाल एंड वॉइड जो डिमांड है रखा, अफसू कभी हम लोग को पूछा नहीं है, हम लोग को सलाह मशवरा भी नहीं किया। इनफैक्ट आप अंशु का साथ पे विद प्रेसिडेंट एलोंग विद देयर व्हाट कॉल एग्जीक्यूटिव्स, हम लोग का साथ में डिस्कशन हुआ, डिबेट हुआ, डेलिब्रेशन हुआ, उसका बाद में अंशु ने उसी डिमांड को गवर्नमेंट पे रखा। तो वहां से साफ पता चलता है कि जो हम लोग का डिमांड है, नाउन दो तुम तो पागल नहीं है ना, और जितना भी अंशु एग्जीक्यूटिव है वो तो बुद्धू नहीं, वो गो थ्रू किया उसके बाद में गवर्नमेंट पे डिमांड रखा। तो हम पहले सवाल करता है अफसू से, जो एग्रीव है हम लोग का साथ में क्यों चर्चा नहीं किया, आप इनसाइड डिस्कशन बंद कमरा डिस्कशन क्यों करना चाहिए, अब गंगपुरा को लेके आइए बात कीजिए, नाल एंड वॉइड को क्यों नहीं करना है, बस्ती से और उतार के लेके आइए उसे पूछिए नाल एंड वॉइड क्यों नहीं करना है। ऐसे आप यहां पे शो करेगा उसे पता चलता है कि ये अफसू क्या चीज है। यहां पे मोकरी नहीं होना चाहिए दिमाग पे। और आप जो बोल रहा है जो नाल एंड वॉइड में अंशु अफसू कॉम्प्रोमाइज होगा, कॉम्प्रोमाइज होने का यहां क्या बात है, आप ऐसे स्टूडेंट पहले बताइए जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का एसेंस ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस क्या होता है, जब आपका जो प्रोसेस में लूपहोल्स है उसी में साफ झलकता है कि एग्जाम शुड बी केप्ट नाल एंड वॉइड, ऐसा करके री एग्जाम के अंदर क्या जाना चाहिए। और वो जो डिमांड को हमको गवर्नमेंट में प्लेस नहीं करना है बोल के, हु इज अफसू, अफसू कौन होता है कि हमको एक्सपीरियंस को डिमांड को प्लेस नहीं करना है बोल के, वो प्रेसिडेंट बताएगा, जीएस बताएगा, बाकी एग्जीक्यूटिव बताएगा, सो कॉल्ड डीसी हमको बताएगा, आई एम दी व्हाट कॉल्ड डिप्राइव स्टूडेंट, हम क्लेम कर सकता है और वो डिमांड को नहीं रखना है बोल के आप लोग कैसे बोल सकता है। सुनिए, इसलिए यहां पे गवर्नमेंट को इसलिए हम लोग डिमांड रखा है, इफ देयर इज एनी अल्टरनेटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट, हम लोग ये चीज को कोर्ट में ले जाना नहीं चाहता है, हम लोग ये से सोचा था कि गवर्नमेंट का तरफ से अगर कुछ अल्टरनेटिव सॉल्यूशन देता है हम उसको एक्सेप्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ये लड़का जो डिप्राइव स्टूडेंट है, क्या कोर्ट कचहरा करके 5 साल आप उसमें कोर्ट में टू एंड फ्रो करते रहना है, अगर गवर्नमेंट से एक मैकेनिज्म होगा उसको हम लोग देखा जाएगा, हम लोग ऐसे कभी नहीं बोला ना, लेकिन गवर्नमेंट से कुछ मैकेनिज्म नहीं आते, ऑब्वियसली जो डिप्राइव स्टूडेंट है वो कोर्ट में जाएगा ही, उसको नहीं बोलने से भी ऐसे करते आया है। इसलिए यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि जब डिस्कशन नहीं होता है, वो आप सो लोग बोल रहा है कि सो कॉल्ड जूनियर स्टूडेंट लोग उनका साथ पे आया, और आप लोग भी अभी तक मीडिया को भी आप लोग को हम सवाल पूछता है वो सो कॉल्ड जूनियर स्टूडेंट जूनियर एक्सपीरियंस कौन है, आप लोग भी निकाल के लेके आइए ना, है कि नहीं, आप लोग सिर्फ सुन के चुपचाप बैठ जाता है। और हम लोग ये डिप्राइव ऑफिशियली वी आर व्हाट कॉल रिप्रेजेंटिंग दिस एक्सपीरियंस, और ऑफिशियली वी हैव गिवन अवर मेमोरेंडम टू द गवर्नमेंट, और सो कॉल्ड जो जूनियर कैंडिडेट्स है वो लोग को आगे आने देने में क्या प्रॉब्लम है। ऐसे भी तो हो सकता है उसका सो कॉल्ड जूनियर कैंडिडेट का बीच में भी तो चोर लोग छुपा हुआ होगा, अभी हम अफसू लोग से अभी हम यहाँ पे व्हाइट पेपर मांगता है जो जूनियर कैंडिडेट आप लोग लिस्ट लेके आइए, हम भी मेरा दोस्त लोग का लिस्ट लेके आएगा जो जूनियर हमको भी लगता है, हम ऐसे नहीं बोल रहे कि उस एग्जामिनेशन में जूनियर कैंडिडेट नहीं है, हमको भी पता है जूनियर कैंडिडेट है, उसका दुख दर्द को हमको भी पता है, हम भी डिस्कशन करता है, लेकिन वो लोग को जब हम पूछा है तो वो लोग को तो कभी आपसे कॉन्टेक्ट किया नहीं, वो लोग को भी आपसे कॉन्टेक्ट नहीं किया बोला है, अभी हम आपसे रूप से पूछता है वो जूनियर कैंडिडेट को आप लेके आइए प्रेस क्लब में लेके आइए, हम भी पूछेगा। Last time also you had a meeting and it didn't went
it didn't went logic in a logical conclusion, it didn't give out. So I want to know what kind of new developments you are going to address to the government this time. अब जब भी आता है थोड़ा सस्पेंस में रख देता है सब ये आपने जैसे कहा कि there are few bodies that are trying to stop you from taking over this case. समय आने से आप रिवील करेगा उनका नाम प्रेस ब्रीफिंग में. आप ये सब कौन है इसको थोड़ा क्लियर कर दीजिए ताकि हमें भी थोड़ा क्लियर पिक्चर मिले इसको देखिए ना. सो वी कैन वर्क आउट ऑन इट एज वेल. यहाँ पे हम तो बोलेगा इन्नत सेल यहाँ पे पहला तो बोलेगा सो कॉल्ड स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हम लोग का दिमाग को प्लेस नहीं कर पा रहा है. एस्पिरेंट का दिमाग को ईडी का जिक्र नहीं कर सक रहा है कि नहीं. यूपीएससी का जिक्र नहीं कर सक रहा है दिमाग में. आप लोग पता ही होगा कौन है अपसू. ठीक है आप लोग को आंसर चाहिए. और सो कॉल्ड सीबीओस जो AIT आप लोग आया था फर्स्ट में वो लोग कहा गायब हो गया. अगर यहाँ पे सब सीबीओस सब स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आएगा अभी तक 6 महीना कितना था. हम आपसे वही जानना चाहते हैं कि आप स्पेसिफिक रहे कि कौन कौन सा है जो आप मतलब क्लियर नहीं कर रहे. जैसे कि आपका ऑडियो ऑडियो क्लिप वाला भी अभी तक क्लियर नहीं है तो आप हमेशा सस्पेंस में रहते हैं. नहीं देखिए सस्पेंस इसलिए है कि ये ऑन इन्वेस्टिगेशन है. ठीक है ना. ये जो कोर्स केस प्रोसेस में है कभी कभी ऐसे बात होता है कि हम जब तक मेरा एक्यूरेट सब्सटेंस नहीं होता है हम नहीं बोल सकते. और जब भी हम बात करेगा एक सब्सटेंस का साथ में बात करेगा. ठीक है ना. तो ये जो आप अभी ऑडियो क्लिप का बारे में बात किया है वो ऑडियो क्लिप जब हम बात किया था वो ग्यामर पादंग भी था. और वो ऑडियो क्लिप्स का बारे में हम वो भी बोला है कि वो जो मोबाइल फोन है अभी भी SIC का पास में है CBI का पास में है. आप लोग इसीलिए हम बोला है कि आप लोग कभी तो CBI में जाके पूछिए कि SIC में जाके पूछिए कि तचीपुरु ऐसे बोला कि वो ऑडियो क्लिप आप लोग का पास में है अभी तक रिलीज क्यों नहीं किया. आप लोग कभी पूछा ही नहीं. वही हम बोल रहे हैं कि आप लोग का रोल में भी कहीं ना कहीं आप लोग का रोल में भी आप लोग गलती किया है तो हम वो बोला है. ठीक है ना. और जहां आपको भी हमको भी पता है कि आप लोग का रोल यहाँ पे बहुत मीन्स निर्भर करता है और हम लोग को साथ भी दिया है. लेकिन ऐसे है कि हम लोग लाचार है ना. जहां से हम लोग एक्सपेक्टेशन आप लोग से है वो एक्सपेक्टेशन नहीं है. लेकिन आप लोग भी ये बात को भी डिनाई नहीं कर सकता है कि नहीं. आप लोग कभी पूछा कि उसमें जाके ये पुरु ऐसे बोला वो ऑडियो क्लिप आप लोग का पास है कि नहीं है. उसमें पूछा नहीं. लेकिन जो हम लोग का फोर फ्रंट जो हम लोग वो कर रहा है कि नहीं पादम को हमको क्वेश्चन कर रहा है. तो जब हम लोग एविडेंस को अगर पुलिस में दिया जो इन्वेस्टिगेशन टीम में दिया उसका बात हम इतना नहीं बोल सकता है ना. है कि नहीं. ये सब जुडिस में तार है. नहीं वही हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि जैसे कि देखो अभी जो CBI का हम लोग जो क्वेश्चनिंग कर रहा है ना यहाँ पे है. क्योंकि जिस समय पे ये लोग एक ये जो चार्जशीट को फाइल करना चाहता वो भी नहीं कर पा रहा और जिसका ऊपर करना चाहता वो भी नहीं किया. इसमें क्या डिफॉल्ट बेल मिल रहा है इसलिए हम लोग अभी CBI को क्वेश्चन. क्योंकि देखिए अभी CBI को क्वेश्चन ही हम लोग 26 नवंबर को शायद CBI केस लिया गया था. नो वेयर वी हैव क्वेश्चन देन. लेकिन जब एक स्पेस देने का बाद में जब काम नहीं करता है हम लोग एग्री है वो हम लोग का क्वेश्चन करने का हक है. और जितना भी आपको देखा होगा कि जितना भी बेल पिटिशन मूव करता है शायद एक भी ऐसे केस नहीं कि जिस दिन पे बेल पिटिशन किया है हम लोग का एक्सपीरियंस उसमें नहीं है. शायद आप लोग भी था है कि नहीं. आप लोग मीडिया लोग भी उसमें आता है तो हम लोग इसको भी परस्यू कर रहा है. लेकिन इनडायरेक्टली यहाँ पे हम लोग अभी CBI को इसलिए क्वेश्चन कर रहे कहीं ना कहीं CBI का रोल यहाँ पे पीका पड़ रहा है. जिस वजह से हम लोग एक्सपेक्टेशन किया था वो नहीं कर रहा है. इनफैक्ट CBI भी यहाँ जो मूवमेंट को ये इन्वेस्टिगेशन को ले जा रहा है ये भी तो एक आदमी ही है. इसको भी तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस किया जा सकता है. वही हम लोग का ड्यूटी भी है कि इस केस को राइट डायरेक्शन पे हम लोग ले जाने का. तो मेन आर्गुमेंट जो
Yes. क्योंकि नहीं यहाँ पे तो ऐसे हम लोग का जो डिमांड है एग्जाम जैसे कि यूपीएससी को तो हम लोग 29 सितंबर में लिख चुका था और हम लोग अभी भी जितना भी एक्सपेरेंट है ये जो कमीशन जिस प्रोसेस से ये जो कमीशन और मेंबर को सेटअप करके लेके आया जाता है इसी पे हम लोग भी शक है। इसलिए अभी भी हम लोग का तो डिमांड तो रहेगा जितना भी अपकमिंग एग्जामिनेशन है जब तक केस सॉल्व नहीं होता है आप लोग यूपीएससी को इंडोर्स कर दीजिए। और ये जो कमीशन आया है इनफैक्ट हम ये जो कमीशन को वेलकम करता है और इसका पंसनिंग मेरा ख्याल से जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता है ये कमीशन एग्जाम कंडक्ट नहीं करके जितना भी ये जो लास्ट टाइम का जो हम लोग का जो डिमांड है जो गवर्नमेंट नहीं कर सकता है कि कमीशन के अंदर में किया जा सकता है ऑटोनोमस बॉडी ये सब जितना डिमांड है ये कमीशन जो नया आया है इसमें आप लोग वर्कआउट कर लीजिए और एग्जामिनेशन पार्ट को यूपीएससी को करने दीजिए। रिफॉर्मेशन भी हो जाएगा एग्जामिनेशन भी हो जाएगा स्टूडेंट भी कुछ गवर्नमेंट भी कुछ एस्पिरेंट भी कुछ पेरेंट वो सब जा सकता है। एज रिलैक्सेशन का तो ये भी एक वेलकम मूव है क्योंकि बहुत हम लोग का एक्सपेरियंस लोग का भी कहना है कि एटलीस्ट एज रिलैक्सेशन कर देने से ठीक है और केस भी जो हम लोग का भी जो एग्जामिनेशन है थोड़ा डिले हो रहा है आई थिंक अनदर शायद 5-6 महीना मेरा ख्याल से एग्जाम भी नहीं हो पाएगा तो एज रिलैक्सेशन करना यस हम इसको अप्रिशिएट करता है गवर्नमेंट का जो अच्छा अच्छा मूव है हम लोग तो अप्रिशिएट करेगा लेकिन भी ऐसे नहीं कि आप लेकिन एज रिलैक्सेशन कर देगा लेकिन लॉलीपॉप खिलाएगा क्योंकि देखिए पढ़ने का एक उम्र होता है ठीक है ना पढ़ने का एक उम्र होता है। अगर हम बोलेगा पेमा कांडू सर को एज रिलैक्सेशन को 55 कर दीजिए और आप भी एग्जाम दीजिए बोलने से वो एग्जाम दे पाएगा। इसलिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन को आप एक लॉलीपॉप का तौर पर हम लोग को नहीं देने से ठीक है बट वी अप्रिशिएट दैट मूव ऑल्सो। देखिए यहाँ पे जब हम लोग डिमांड किया था सीबीआई के लिए तो इसको जानना है एसआईसी का भी स्ट्राइक रेट नहीं है तो सीबीआई का भी नहीं है लेकिन भी एक सीबीआई का ऊपर पे हम लोग का एक भरोसा है। भरोसा इसलिए है कि उस समय पे आपसू आंसू हम लोग का साथ में था तो हम लोग तो सोचा है कि जितना भी केसेस है चलो थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन और इंडिया का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को करने देना चाहिए और उसमें इनफैक्ट पब्लिक भी सपोर्ट किया गया था। लेकिन अभी ऐसे लग रहा है कि सीबीआई का जो करतूत है शायद ऐसे लग रहा है कि यही पेपर एक एग्जामिनेशन का अभी तक चार्जशीट फाइल करने के लिए ये लोग 3 महीना लग सकता है तो 92+ एग्जामिनेशन जो 2014 से लेके 22 तक का सेंचुरी लग जाएगा तो इसलिए हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि आप अपना मेन कोर्स को बढ़ाइए आपका वर्क कल्चर को थोड़ा चेंज कीजिए तो ऐसे नहीं करने से ये ऑब्वियसली हम लोग तो डिमांड करेगा उसको हम लोग तो क्वेश्चन पूछना पड़ेगा अगर नहीं सकते हैं तो आप छोड़ दीजिए ये उन लोग का इज्जत का भी बात है। और यहाँ पे हम ये रिक्वेस्ट करना है कि ये जितना भी हम लोग का जो कल का मीटिंग है यहाँ पे हम लोग का पेज में ऐसे डाला गया था कि कल धरना करेगा और इनफैक्ट आई एस ए चेयरमैन हमको पुलिस से भी कॉल आया था कि ये जो आप लोग कल धरना करेगा क्या बोल के आउट ऑफ सेक्रेटरीट में और हम जितना भी पब्लिक और एक्सपेरियंस को हम कहना चाहेगा कि ये ऑफिशियल हम लोग का स्टेटमेंट नहीं है कल हम लोग गवर्नमेंट का साथ में मीटिंग करेगा आउटसाइड में धरना नहीं करेगा। अगर कोई लड़का कोई एक्सपेरियंस पेरेंट्स खबर लेने के लिए अगर उसमें इकट्ठा होता है वो मेरा वो पे नहीं है फारव्यू में नहीं है इसलिए हम रिक्वेस्ट करता है कि जितना भी कोई जो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट करने का कोशिश कर रहा है और हम लोग को बदनाम करने का कोशिश कर रहा है और जितना भी ये जो ऐसे सोच विचार रखता है हम अपील करता है कि हम लोग मिलजुल के विदाउट एनी वायलेंस हम लोग गवर्नमेंट का साथ में हम लोग चर्चा करेगा
और एक्सपेक्ट करता है कि जितना भी हम लोग का जो डिमांड्स है अगर फुलफिल नहीं होता है होता है पर्दर कोर्स ऑफ एक्शन कैसे होना है नहीं होना है। हम लोग 11 को हम लोग यहाँ पे धरना रखेगा ऑफिशियली, वी विल गेट द परमिशन फ्रॉम द डीसी और 11 तारीख में आना है बस। थैंक यू।